गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू इन आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिज्यूम बनाते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक रिज्यूम आपकी स्किल्स एंड नॉलेज का कॉम्पैक्ट प्रेजेंटेशन होती है जो कि इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव होने के साथ साथ सिंपल भी होना चाहिए। आपका लगभग 50% सिलेक्शन आपके रिज्यूम में सही हो जाता है। तो आपको एक बेस्ट रिज्यूम क्रिएट करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें कि आपका नेम फुल नेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर, एक जीमेल आईडी और पोस्टल एड्रेस बिल्कुल छोटे साइज़ में, जो कि पत्र व्यवहार का पता होता है और ये बहुत छोटा साइज़ में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे होता है आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि इम्प्रेसिव एंड स्मॉल होना चाहिए। आपको गूगल से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे सर्च करने पे, और एक छोटा सा और इम्प्रेसिव आप उसमें से सेलेक्ट कर लें, जिसमें कि वर्ड्स ऐसी तरह के यूज होने चाहिए जैसे कि डेडिकेटेड, ऑनेस्ट एंड विथ मोस्ट, इस तरह के वर्ड्स सेलेक्ट होने चाहिए, मतलब उसमें होने चाहिए, ऐसा ही आप सिलेक्शन करें। थर्ड नंबर पे आपका होना चाहिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड फोर्थ नंबर पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसका जो फॉर्मेट होता है इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि आपने अपना बोर्ड का नाम लिख दिया, बोर्ड का नाम लिख दें, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कॉलम भी बना के कर सकते हैं या फिर एक सिंपल सी लाइन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका जो फिफ्थ नंबर पे होता है, सॉरी जो फिफ्थ नंबर है वो आपकी स्किल्स एंड स्ट्रेंथ होना चाहिए। देखिए स्किल्स एंड स्ट्रेंथ बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमें क्या लिखें। इसमें देखिए बेसिकली आपको वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो कि काम से रिलेटेड आपके पास नॉलेज है, जैसे कि अगर आप प्रोडक्शन के फील्ड में जा रहे हो, अगर आप प्रेस मशीन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर सीएनसी मशीन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो सीएनसी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सीएनसी ऑफसेट वगैरह क्या होती है, आपको पता है या नहीं पता है, ये चीज़ें लिखनी चाहिए। और इसके टूल क्या होते हैं, टूल्स के बारे में लिख दें, आप इंसर्ट्स के बारे में लिख दें, इस तरह से। और अगर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो आपको 7QC टूल के बारे में पता है नहीं पता है, 5S, काइजन, पोकायोके, इस सारी चीज़ें, तो स्ट्रेंथ में आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो स्ट्रेंथ में जैसे कि अगर आपके पास कुछ स्पेशल स्किल हो, जैसे कि टीम को हैंडल करने की या फिर लीडरशिप की, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद सिक्स नंबर पे आप वहाँ पे मेंशन करें आपकी हॉबीज़ एंड स्पेशल स्किल्स, जैसे कि डांसिंग वगैरह, सिंगिंग वगैरह, या फिर इवेंट ऑर्गेनाइज कराने की, इस तरह की जो भी स्किल्स हैं। फिर उसके बाद सातवें नंबर पे आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसमें भी देखिए बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं, बहुत सारा भर देते हैं, ज़्यादा कुछ भरना नहीं है आपको, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हो। उसके बाद आप लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हो, हिंदी इंग्लिश तो बेसिक सी बात है, सभी को आती है, उसके अलावा भी अगर कोई लैंग्वेज आती है तो आप वो भी डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे परमानेंट एड्रेस अपना जरूर लिखें, परमानेंट का फुल एड्रेस आपका होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। इसके बाद आठवें नंबर पे आप डिक्लेरेशन लिख दें, जो कि बहुत ही एक लाइन में लिखें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, और डिक्लेरेशन के नीचे डेट एंड इस दूसरी साइड में अपना नाम ज़रूर लिख दें। और इस वीडियो में इतना ही, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।